जय हिंद डिफेंस स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, अ यूनिट ऑफ सेंचुरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज अजय प्रताप मदेसिया एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स पेपर एनालिसिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 सितंबर को जो है एनडीए 2020 का जो एग्जाम है वो हो चुका है और काफी बच्चे एक्साइट हैं कि किस तरीके से कट ऑफ जाएगा, क्या उसका सेक्शनल कट ऑफ होगा, मैथ पेपर में कितना सेफ स्कोर होगा, जीएडी के पेपर में कितना सेफ स्कोर होगा, उन सारी चीजों के एनालिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग पूरे मैथमेटिक्स का जो आपका एनडीए 2020 एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर है उसकी एनालिसिस लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्राफ, अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट आपको देखने को मिलेगा कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके पॉइंट ऑफ बेसिस पे आगे जो बच्चे अभी फर्दर आगे की तैयारी करने के लिए सोच रहे होंगे उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो है उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एनडीए 2021 एग्जाम के लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अपनी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चलेंगे कि किस सेगमेंट से हम क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो देंगे, किस सेगमेंट को हमें ज्यादा पढ़ना होगा, कौन सा पहले पढ़ना होगा, कौन सा बाद में पढ़ना होगा, उन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पर वन बाई वन। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो स्क्रीन है आपको इस पीपीटी में शो किया गया है कि इस बार एनडीए 2020 एग्जाम में मैथ के पेपर में किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये जो पाई चार्ट यहाँ पे बना हुआ है जिसमें कि जो सबसे मेजर सेगमेंट आपको ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, तो ये पोर्शन है आपका अलजेब्रा का, ये पोर्शन आपका जो है अलजेब्रा का ये पोर्शन है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये आपके लिए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि अलजेब्रा जो है ये 31% आया हुआ है, अलजेब्रा जो है 31% जो है कवर किया हुआ है इस बार एनडीए 2020 के एग्जाम में। मैथ के पेपर की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो ये जो कवर किया हुआ है वो कितना है, 31% इसने कवर कर रखा है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा सेगमेंट है ये 2020 एग्जाम के लिए, 31% इसने कवर किया होगा आउट ऑफ टोटल 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग 31% अलजेब्रा से आ रहा है। इसके बाद अभी हम पाई चार्ट के बाद वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा के जो टॉपिक, अलजेब्रा तो अपने आप में एक बुक हो गया, एक पूरा का पूरा जो है टॉपिक हो गया, उसमें भी कुछ चैप्टर हैं, उन चैप्टर से हम देखेंगे कि किस चैप्टर से जो है क्या इंपॉर्टेंस रही है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी एनालिसिस हम नेक्स्ट स्लाइड में भी करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो सेकंड मेजर पोर्शन आया हुआ है वो आपको शायद दिख रहा होगा कि ये वाला पोर्शन है और ये कैलकुलस का हिस्सा है। कैलकुलस जो है सेकंड जो है मेजर पोर्शन आया हुआ है 2020 एग्जाम में, अलजेब्रा के बाद 31% के बाद 25% का जो है आंकड़ा कवर किया हुआ है और वो सेगमेंट लेके चला है कैलकुलस। कैलकुलस में भी हम इसमें देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आए हैं और फर्दर हमारी आगे की प्लानिंग क्या होगी, कैसे हम लोग जो है आगे अपनी तैयारी जारी रखेंगे, जो बच्चे आगे फर्दर प्लानिंग कर रहे होंगे तैयारी करने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अभी जो है देख यहाँ एनडीए 2020 का एग्जाम 6 सितंबर को, क्योंकि वो भी यहाँ से देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से कितना आया हुआ है क्वेश्चन, और क्वेश्चन का आंसर की भी हमारे जो है वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप उस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड पोर्शन आया हुआ है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, थर्ड सेगमेंट जो सबसे बेहद ही इंपॉर्टेंट है वो आपका आया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का 18.5, अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 18.5% का यहाँ से जो है क्वेश्चन आया हुआ है, 100% से 18.5, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अकेले ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा नहीं है, है ना, एंगल्स एंड साइड रेशियो के बारे में बात किया जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रॉब्लम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इस बार पॉपुलर आईटीएफ का क्वेश्चन था नहीं, मैं इसको भी यही दिखा दूंगा कि आईटीएफ से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से अकेले जो है जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 18.5 अकेला, ये कोई इसमें बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, गेम के 2 से 3 चैप्टर हैं और उसमें भी जो है 18.5% का आंकड़ा जो है कवर कर रहा है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए प्लानिंग हमारी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, कि हम एनडीए का अगर हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हम बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिक हमारी स्टार्टिंग जो होनी चाहिए वो ट्रिग्नोमेट्री से होनी चाहिए, अलजेब्रा एंड कैलकुलस ये तीन मेजर पोर्शन हमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग करने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है फोर्थ नंबर पे जो आता है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स,
स्टैटिस्टिक्स से जो आया हुआ प्रॉब्लम है वो 9.5% का है, तो 9.5% अकेले जो है स्टैटिस्टिक्स कवर किया हुआ है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड इन सब से लेके क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो है आपका रिग्रेशन से लेके क्वेश्चन आया हुआ है, रिग्रेशन एनालिसिस से लेके क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टैटिस्टिक्स में जो है 9.5%, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, और मुझे लगता है एक ही चैप्टर है ये स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन, मीडियन, मोड आ जाता है, और एक छोटा सा चैप्टर है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। तो उससे दो चैप्टर मिला के अकेले जो है 9.5% जो है ये कवर कर रहा है। उसके बाद की जो बात की जाती है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर एंड 3D है, तो ये दोनों जो है इस बार के एग्जाम में जो है 8.5 और 8.5% आया हुआ है। तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8.5% जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर किया हुआ है, ठीक है, और वेक्टर एंड 3D जो है वो 8.5% कवर किया हुआ है। एक सेगमेंट, सब बच्चे बच्चों को पता है यहाँ पे कि यहाँ पर एक सेगमेंट ऐसा है जो छोटा सा ये दिख रहा है, ये आंकड़ा है अपने आप में बाइनरी नंबर का, हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता बाइनरी नंबर से। तो इस बार भी एनडीए 2020 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वन क्वेश्चन आपका जो है इसमें कवर किया हुआ है। आपको बताना था कि एक डेसिमल नंबर से जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था, और बाइनरी से डेसिमल में, तो हमेशा हर बार ये पूछा जाता है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन बताइए या फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन बताइए, तो ये कवर किया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि ये पाई चार्ट से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन आया हुआ है, परसेंटेज क्या है, आगे अगर हम फर्दर एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरीके से हमारा जो है मोटिव होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग जो होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग चलें, अगले स्लाइड पे अगर हम बात करें, तो जो ये एनडीए एग्जाम एनालिसिस 2020 जो मैथमेटिक्स का है, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की गई है 120 क्वेश्चन, सभी बच्चों को बता कि 120 क्वेश्चन है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, तो ओवरऑल टोटल मार्क्स हो गया कितना हो गया 300 का एनडीए 2020 एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होता है, 300 नंबर का ये आपका पेपर होता है फर्स्ट। उसमें अगर देखा जाए टॉपिक, अब मैं जैसे पाई चार्ट में आपको दिखाने की कोशिश किया था, अब मैं यहाँ पर हर एक, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बोला कि 18.5 है, तो यहाँ पे मैं अब सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में भी जो इसके सब चैप्टर हैं उसमें जो है चैप्टर में जो है किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं टॉपिक नेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और वेटेज कितना है कि कितने परसेंट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो बात अगर हम करें ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री में ओवरऑल मैंने बताया पाई चार्ट में 18.5% का है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जो आया हुआ है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मतलब सीडी फार्मूले पे क्वेश्चन आया हुआ था, बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आया हुआ था, और अगर हम लोग वहाँ पे चीजों को देखें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे साइड और एंगल के बीच में जो रेशियो होता है उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। ओवरऑल जो क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री से, इस सेगमेंट से जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, 20 क्वेश्चन कवर किया था, और ये बहुत बड़ी बात है कि अकेले ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चन आना मतलब कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी बच्चे का ये आउट ऑफ 20 में 20 क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा अगर उसने कवर कर लिया, तो सोचिए कि वो यहाँ से जो है 20 × 2.5 आप देख सकते हैं कि कितने नंबर का जो है वो पेपर जो है कवर कर ले रहा, और उसका किस तरीके से जो है स्ट्रांग पॉइंट हो जा रहा है। नाउ अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 2 क्वेश्चन आया हुआ था, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 2 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको बताना था कि भाई ट्रायंगल जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर क्या है, इस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं साइन ए का फार्मूला, साइन ए अपॉन ए का फार्मूला, साइन रूल जिसे बोलते हैं, वो साइन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम आया हुआ था। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से 2 क्वेश्चन, और इस बार जो है आईटीएफ से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था, आईटीएफ से जो क्वेश्चन था वो नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 0 थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर की हम बात करते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो ओवरऑल 22 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री ने कवर किया था, और इनका जो परसेंटेज था इस 120 के हिसाब से अगर देखा जाए आउट ऑफ 300 में, तो 18.5 का इनका जो पार्टिसिपेशन था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, अगले स्लाइड में जो हमारा सेकंड मेजर पोर्शन है दैट इज कैलकुलस, इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग देखें तो कैलकुलस को अगर हम लोग देखें, तो कैलकुलस का जो सेगमेंट था जिसमें हमने डिस्कस किया कि ये 25% का इसका कवर किया हुआ है 25%, और कैलकुलस में मैंने आपसे कहा कि अभी हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे रिलेशन फंक्शन की अगर बात की जाए तो 7 क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की गई थी, ये टॉपिक है आपका टॉपिक, और ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन
और इसके बारे में बात किया था कि ये परसेंटेज या फिर वेटेज है कि कितने परसेंट या कितना इनका वेटेज है। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है 7 क्वेश्चन कवर किया हुआ है इस बार एनडीए 2020 के एग्जाम में। लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से जो क्वेश्चन है वो 6 है और 3 है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें डेरिवेटिव से तो 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें 4 क्वेश्चन आया हुआ है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 1 है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस बार इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ने कवर नहीं किया हुआ है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी कोई हाल रहा है कि इनका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन इस बार जो है कभी कभी ऐसा होता है कि एरिया बाउंडेड बाय दैट कर्व जो है कभी कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 होते हैं, लेकिन इस बार एनडीए 2020 के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आपका एरिया बाउंडेड बाय दैट कर्व से भी पूछा गया था। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व ने भी कवर किया हुआ है एक क्वेश्चन। और डिफरेंशियल इक्वेशन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आया हुआ वो 4 क्वेश्चन आया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो क्वेश्चन आया हुआ है आर्डर एंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो और काफी चीजें हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो टोटल आया है डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन है और इनका जो आंकड़ा है कितना है 25% का है। मतलब ओवरऑल जो है एनडीए 2020 में कैलकुलस ने जो कवर किया हुआ है वो 25%। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें अल्जेब्रा जो कि सबसे मेजर पोर्शन है दैट इज 31%। और इस 31% में अगर देखा जाए तो सेट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं 4 है। सेट से नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 कवर किया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज से इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 1 आया हुआ है। वो भी जो क्वेश्चन आया हुआ था वो प्रॉपर्टी से आया हुआ था। आपको बताना था कि अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किस में होंगे, बस जस्ट एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन था। तो इसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो केवल और केवल 1 क्वेश्चन थे। उसके बाद लाल से जो कि कहा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन होता है। तो लाल से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो 2 क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद बात करें मैट्रिसेस से, मैट्रिसेस सभी बच्चों को पता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो होता है मेजर पोर्शन होता है अलजेब्रा का। तो इस बार भी वही हाल रहा है। तो मैट्रिसेस से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है और डिटरमिनेंट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 2। डिटरमिनेंट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2, यानी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन कवर किया हुआ है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें बाइनोमियल थ्योरम से भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात की जाए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पीएनसी से बात की जाए तो ये 3 नंबर के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। एंड प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ज्यादा आया हुआ है। प्रोबेबिलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आए हुए 10 क्वेश्चन कवर किए गए हैं प्रोबेबिलिटी से। और लीनियर इनइक्वालिटी जो कि बच्चा छोड़ देता है एनडीए के पॉइंट ऑफ बेसिस से, उसको लगता है नहीं आता है, बट इस बार एनडीए 2020 के एग्जाम में कहीं ना कहीं लीनियर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी एक ऐसा चैप्टर है जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में भी इन्वॉल्व हो जाता है उसके कंसेप्ट। तो बेसिक अगर देखा जाए तो लीनियर इनइक्वालिटी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं 2 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेजर पोर्शन है अलजेब्रा में जो मेजर पोर्शन है कवर करने लायक वो ये है आपका कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट जो कि 8 क्वेश्चन है। एंड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमारा जो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी को तो कवर करें ही करें, उसके बाद जो आपका आता है सेट्स आता है इन सब चीजों को हम कवर करेंगे। ओवरऑल मिला के आंकड़ा जो है वो 31% का है जो कि अलजेब्रा ने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में जो चैप्टर है वो कौन कौन से हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जिनका की जो पार्टिसिपेशन है वो 8.5% का है। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो है रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट है जिसमें कि डिस्टेंस फार्मूला जाता है, सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करते हैं, इन सबसे मिला के जो क्वेश्चन आया हुआ वो 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 3 है। नाउ यहाँ पे अगर बात किया जाए कि स्ट्रेट लाइन से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 4 है, स्ट्रेट लाइन के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 4 है। सर्कल से इस बार 1 क्वेश्चन पूछा गया है और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। सर्कल का जो है एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ था, पूछा था कि इसका सेंटर बताइए, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। नाउ कॉनिक सेक्शन की अगर हम बात करें जिसमें कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में बात की जाती है, तो ओवरऑल इस बार जो कॉनिक सेक्शन से नंबर ऑफ क्वेश्चन आया है पैराबोला से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, इलिप्स से 1 क्वेश्चन आया हुआ है, और इस बार नंबर हाइपरबोला से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 0 थे। यानी कॉनिक सेक्शन से जो क्वेश्चन आया हुआ 2 क्वेश्चन को इन्होंने टच किया हुआ। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का जो पार्टिसिपेशन रहा 8.5% का रहा है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें वेक्टर एंड 3D की बात करें, वेक्टर एंड 3D बेहद इंपॉर्टेंट होता है जिनका की पार्टिसिपेशन जो है 8.5% है, लेकिन अकेले जो वेक्टर है
उससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका 5 क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत बड़ी बात है, वेक्टर बहुत टफ नहीं होता। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 5 है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल से, हाँ, 3 डायमेंशन से अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशन में 2 चीजें होती हैं। एक होता है स्पेसिंग लाइन होता है और दूसरा होता है प्लेन। स्पेसिंग लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन से भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें प्लेन से जो क्वेश्चन आया हुआ डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को लेकर आया हुआ, और एक लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा हुआ था कि 3D में लाइन का इक्वेशन आप बता दीजिए। और एक क्वेश्चन इस बार जो है इंसर्ट किया गया स्फीयर से, स्फीयर से जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ जिसमें आपको दिया हुआ था कि स्फीयर का सेंटर दिया हुआ था, स्फीयर का रेडियस दिया हुआ था, आपको बताना था इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल वेक्टर एंड 3D से जो इनका पार्टिसिपेशन था 8.5% करा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो जैसा कि देखा आपने कि स्टैटिस्टिक्स जो था वो 9.5% कवर कर रहा था, 4th नंबर पे आ रहा था स्टैटिस्टिक्स 9.5% में। जो अकेले स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन आया मीन मीडियन मोड इन सब चीजों से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को लेके आया हुआ था, वहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से इस बार जो क्वेश्चन था वो 1 क्वेश्चन था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से 1 क्वेश्चन था। और उसके बाद अगर हम बात करें एक क्वेश्चन, जैसा कि सभी लोगों को पता बाइनरी नंबर से, मैंने पाई चार्ट में भी डिस्कस किया कि बाइनरी नंबर से जो क्वेश्चन था वो 1 था। एक क्वेश्चन बाइनरी नंबर से पूछा ही जाता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए या फिर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए। फिलहाल इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके से सारी चीजें आपने देखी कि टॉपिक वाइज भी आपने देखा कि चैप्टर वाइज भी देखा और ओवरऑल आपने देखा कि क्या कितने परसेंट जो है कवर किया गया है NDA 2020 मैथ पेपर में। नाउ वापस हम अपने उसी पाई चार्ट, अगर इसके मार्किंग स्कीम की बात करें अगर हम लोग, तो एनडीए एग्जाम में जो होता है नेगेटिव मार्किंग होता है, सभी बच्चे अच्छी जान लें। जो बच्चे नए अभी तैयारी करने के सोच रहे हैं तो आप जान लें कि एनडीए के पेपर में जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। और अगर हम बात करें एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो है कि एनडीए मार्किंग स्कीम आपका ये है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें कि जो पेपर है ओवरऑल, यहाँ पे 2 तरीके के पेपर होते हैं। जो पेपर फर्स्ट होता है आपका मैथ का होता है, पेपर सेकंड जो होता है वो जीएटी का होता है। जीएटी में ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होता है मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपको +4 मार्क्स दिए जाते हैं। गलत होने पे आपका जो है जो नंबर आपने गेन किया हुआ उसमें से भी आपका -1.33 नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाता है। नाउ अगर हम बात करें आपका मैथ्स के बारे में, तो मैथ का ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है, करेक्ट जवाब के आपको +2.5 मार्क्स मिलेगा, और अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपके जो नंबर आए हुए हैं उस नंबर से भी आपके -0.83 जो है डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनडीए कट ऑफ के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि यूपीएससी एनडीए का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों को अगर एक साथ मिला के अगर हम बात करें तो सेट स्कोर क्या होगा, कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें कट ऑफ कितना जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इंस्टीट्यूट जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो हमारी एक्सपर्ट टीम जो बैठी थी और उन्होंने काफी एनालिसिस के बाद ये बताया कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो 335 से लेकर 345 के बीच में होगा। और दोनों पेपर का मिला के आउट ऑफ 900 पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 दैट इज मैथमेटिक्स एंड पेपर 2 दैट इज जीएटी, दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो ओवरऑल 900 मार्क्स से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है आपका 335 to 345। ये लगभग इसके अप्रोक्सीमेट जाएगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का आता है तो अपने को सेफ महसूस करें, और बाकी उनके जो फर्दर जो स्टेज है सेकंड स्टेज मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह की, SSB वगैरह की, वो आप तैयारी कर सकते हैं। नाउ अगर यहाँ पे अब हम बात करें, वापस हम अपने पाई चार्ट पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें कि किस सेगमेंट से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, पार्टिसिपेशन क्या है, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में आपको मिली है। तो जो भी बच्चे नए हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो वो अपने आप का थोड़ा सा एक लेक्चर प्लान अपना बना सकते हैं, इस वीडियो को देख के मोटिवेट हो सकते हैं कि नहीं हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ जाता है, गलत क्वेश्चन का कितना है, सही क्वेश्चन पे कितना मिलेगा, कट ऑफ हर बार का क्या रहता है। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जैसा कि मैंने डिस्कस किया 335 to 345 के अप्रोक्सीमेट जाएगा। तो यहाँ से ये चीजें जो है आप देख सकते हैं और फर्दर अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो बस इतना, जो बच्चे भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।
अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।